नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम शर्मा और सबा न्यूज चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं आज अपने पहले वीडियो के साथ। ये वीडियो है काइन मास्टर के बारे में। ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों में पाया जाता है। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का या कोई वेबसाइट के जरिए इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं हम लोग जान लेते हैं कि ये काइन मास्टर एप्लीकेशन किस तरह काम करता है। ओके, तो ये खुल गया आपका स्क्रीन। अभी मैं स्लाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काइन मास्टर का ऐप। सिंपली इस पर क्लिक करिए, काइन मास्टर ओपन होता है। देखिए, पहले मैं पहली बात बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने एक हिंट दिया हुआ है कि किस वेबसाइट के ज़रिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अदरवाइज आप वो वेबसाइट नहीं जान पाओगे और आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो ये काइन मास्टर का इंटरफेस खुल गया है। आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करिए। प्रोजेक्ट में आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कई सारे रेशियो दिखा रहे हैं। पहला रेशियो है आपका यूट्यूब चैनल के लिए, दूसरा रेशियो है कोई भी ऐप जैसे स्नेक, आपके इंडिया के बहुत सारे टिकटॉक्स जैसे काफ़ी ऐप हैं उनकी तरह, और थर्ड है इंस्टाग्राम के लिए। तो मैं फ़िलहाल यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ तो उसके लिए मैं 16:9 रेशियो का फ्रेम पे क्लिक करूँगा। ये हो गया इंटरफेस कुछ ऐसा, जिस पे आप बैकग्राउंड अपने फेवरेट को चूज़ करके रख सकते हैं। क्लाउड में सेव किए गए वीडियो या फिर ऑडियो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करते हुए आपको एग्जांपल के रूप में कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। अभी इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेयर पे जाके आप चेक कर पाएंगे, इस पे मीडिया इफेक्ट्स, स्टिकर, टेक्स्ट, हैंड राइटिंग, सारे प्रकार के आपके फीचर्स हैं इसमें। मैं सिंपली इस पे एक टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही लिख लेता हूँ, सब ऑन यू। ध्यान रखिएगा ये चैनल का नाम सब ऑन यू है। आपको हमेशा ये अच्छी से अच्छी चीज़ें बताता रहेगा ये चैनल पे। आप इस वीडियो पे देख पाएंगे, ये अभी मैंने चैनल को टेक्स्ट को बड़ा किया, टेक्स्ट को छोटा किया, सभी चीज़ इस पे काफ़ी इजी रहती हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के मामले में ये सबसे नंबर वन पे सॉफ्टवेयर मुझे लगता है। बाकी इसके इसके वाटर मार्क की बात की जाए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई वाटर मार्क नहीं दिख रहा है। ये वाटर मार्क रिमूव्ड है, ये मतलब कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया काइन मास्टर नहीं है। इसका लिंक दूसरा है जिसको मैं वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको वीडियो पे कहीं पे भी वीडियो पे इसका वेबसाइट लिंक दिया गया है, आपको सिंपली पूरी वीडियो देखनी है और वो वेबसाइट लिंक पे फॉलो अप करना है। मैंने ये कुछ ऐसे ही टेक्स्ट करके दिखा दिया, आपको सिंपली इस पे ओके कर देना है। लेयर पे जाके स्टिकर दोबारा करके, स्टिकर्स मैंने सारे कुछ डाउनलोड किए हैं। इस स्टिकर को आपको अपने वीडियो पे लगाते हुए इस वीडियो को और भी चार चांद बना लेना है। अभी वीडियो को मैं प्ले करके एक बार देख लेता हूँ तो इस पे क्या दिखाता है आपका। ये देखिए, आपका टेक्स्ट के साथ साथ आपका स्टिकर भी रेंडर कर रहा है। सिंपली एक्सपोर्ट कर लूँगा मैं। अगर इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो मैंने हाल ही में बहुत लोगों को देखा है कि एक्सपोर्ट पे उनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी फ़ाइल बंद हो जाती है। पूरा कुछ मेहनत कर लेते हैं, वीडियो फाइल बंद हो जाती है लेकिन उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वो एक्सपोर्ट करने का तरीका भी सही रहता है, बट जो उनके पास ये आपका काइन मास्टर का ऐप रहता है वो गलत रहता है, जिसके कारण से उनको एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। बाकी उसको सीखने के लिए कि वो एक्सपोर्ट कैसे करें, वो यूट्यूब पर तमाम वीडियोस चेक करते रहते हैं और कहीं पे उनको प्रॉपर वीडियो नहीं मिलती। तो मेरा सुझाव ये है कि आप उस मोड एपीके या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको डिलीट करते हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ उस ऐप को डाउनलोड करेंगे काइन मास्टर के, तो आप आपका वीडियो फाइल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सिंपली मैंने देखी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई भी एरर इशू नहीं आ रहा है और मेरी फ़ाइल सिंपली एक्सपोर्ट हो गई है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके अपना वीडियो फाइल भी एक बार चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा वीडियो फाइल, आपका वीडियो। आप बैक आ जाता हूँ मैं। ठीक है, तो आपका एक्सपोर्ट हो गया वीडियो फाइल। आपका इंटरफेस में बाकी भी
और मीडिया इफेक्ट, ये सभी चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता रहूँगा। साथ ही आप लोगों को किसी एक वीडियो पे इस ऐप का लिंक बताऊंगा या फिर ऐप को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। जेन्युइन तरीका रहेगा, कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा, आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि आप बाद में मुझे बोलोगे कि भाई ये वेबसाइट तो काम ही नहीं करती और आप लोग ऐसे ही वीडियो बना देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ सोच समझ के ही वीडियो डालता हूँ। तो वीडियो में अगर छोटी सी भी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप वीडियो पे नए हो तो, ताकि और बेल आइकन जो वहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियो आएंगी अगर आपको आप तक पहुँचाना है तो उस वीडियो पे आपको लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। बेल आइकन दबाओगे तो भैया आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, बेल आइकन नहीं दबाए तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने पे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इस वीडियो के आगे आपको और भी फीचर्स के बारे में जानकारी देने के लिए जो कि काइन मास्टर पे हैं। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।